गाइस, हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, क्या चल रहे हो? होपफुली सब कुछ अच्छा चल रहा है, मजे में चल रहा है। लेकिन मेरे साथ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, कुछ भी मजे में ही चल रहा है। बिकॉज मुझे नहीं पता है कि क्या हो गया है। आप लोग एकदम से जो है ना, मतलब खान सर की इतनी रिक्वेस्ट आती थी, अब मैं खान सर की वीडियो डाल रही हूँ तो आप लोग उतने व्यूज नहीं दे रहे हो, जहां तक कि मैं दूसरों की रिक्वेस्ट जो है ना उसको होल्ड पे रख रही हूँ। एकदम से ही मेरा चैनल जो है ना डाउन हो गया है, तो आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मेरे चैनल पर प्रॉब्लम भी आ चुकी है, ये भी मैं आप लोग को बता चुकी हूँ, और वो भी रिएक्शन के वजह से ही आ चुकी है, रिएक्शन चैनल की वजह से। लेकिन आप लोग को नाराज नहीं करना मुझे, इसके लिए मैं कंटिन्यू कर रही हूँ रिएक्शन। तो आप लोग के सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को देखा करो एंड लाइक जरूर करा करें एंड कमेंट जरूर करा करें, जिससे एंगेजमेंट बढ़ेगी और यूट्यूब जो है मेरे चैनल को आगे पुश करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो हाँ जी, वापस से खान सर की वीडियो लेकर आ चुकी हूँ, टाइटल आप लोग रीड कर चुके हैं। तो ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जो भी मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप लोग भी अपनी रिक्वेस्ट मुझे भेज सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड मुझे कॉमेंट करके बताना कि और किसके वीडियो पर रिएक्शन चाहिए है, या आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर डीएम भी कर सकते हो, लिंक भी शेयर कर सकते हो, जैसे आप लोग कंफर्टेबल लगे। मेरे सेकंड चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर मैं मिनी ब्लॉग्स डालना शुरू कर चुकी हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने देखा नहीं तो वहां पर जाकर जरूर देखें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। विन सन स्पेस है चैनल का नाम, यहां पर आप लोगों को कहीं पर दिख रहा होगा। एंड दूसरी चीज की, अगर ये चैनल कुछ भी हो जाता है तो मैं वहां पर आप लोगों को अपडेट दे सकती हूं, तो जरूर वहां पर सब्सक्राइब कर लेना, मेरे बारे में और भी जान सकते हो। ठीक है, तो हां जी, चलते हैं हम लोग हमारे वीडियो के साइड पर, बाकी की बातें करेंगे हम लोग वीडियो खत्म होने, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बढ़िया घर का लग रहा है, ये इतना बढ़िया कपड़ा पहने, नदिया में कुछ कर रहा है? अरे ये राजा बोल रहे हो कहा गया, ये अफगानों में कोई दमन नहीं है, चलो लो, चलो बिहार पार करो, बंगाल क्या माना छे, बंगाल में हमला। हुमायूं के जीवन की पहली लड़ाई पानीपत की पहली लड़ाई थी, जो बाबर के साथ गया था पवेलियन में बैठ के देखने के लिए। मारिए मारिए बाबा जी, मारिए, समझ गए कि नहीं, शाबाश शाबाश कहता। तो हुमायूं के जीवन की पहली लड़ाई पानीपत के, इसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया, सब जानते हैं, अफगान। सबसे बड़ा खतरा कौन बन गया? अफगान। इनको कभी शांति से रहने ही नहीं दिए सर, जब तक ये भारत छोड़ के भाग नहीं गए। अब दिल्ली में ये जब सिंहासन कर रहे थे तो अफगान इस साइड से थे सर, इस साइड से कौन थे सर, अफगान, ये एरिया अफगानों का था। हालांकि अफगान पहले पूरे लोधी वंश पे थे, सफाया कर दिया बाबर इनको, इधर और दूसरा गुजरात का शासक बहादुर शाह, बहादुर शाह, ये दो लोग किसके लिए टेंशन बन गए, हुमायूं के, किसके लिए टेंशन बन गए, हुमायूं के जीवन की पहली लड़ाई 1526 पानीपत की पहली, बाबर मरता है 1530 और इसने अब लड़ाई चालू करेगा ये 1531। सिंहासन जो है ना वो दिखता बहुत है आपको आरामदायक, लेकिन सिंहासन पे बैठने वाले को कभी पूछिएगा कि कभी तुम आराम से एक चैन की नींद सोए हो, कभी नहीं सोया हो, समझा गया? तो जब तक हिंदुस्तान में खराबी, खराबी क्या है, रियलिटी है कि जब तक आप शरीर से मेहनत कर रहे हैं ना तो लोगों को लगेगा बहुत मेहनत कर रहे हैं, पूरा पसीना गिर गया, धूप में एकदम नहीं पूछेगा कोई, झमसा गया एकदम एकदम, तभी वो मेहनत लगेगा। उससे भयानक होता है सोचा मेंटल स्ट्रेस, समझा गया? अगर मेहनत करने वाला कोई गलती करता है तो उतने दिन में गलती होगा और उसे सुधारा जा सकता है, और मेंटल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उससे तनी सा गलती हुआ ना उसे कितना दूर तक को प्रभावित करेगा, किसी को कोई हक नहीं, समझा गया कि नहीं आ गया? अब पता चला कल को मोदी जी का कोई डिसीजन उल्टा सीधा आ गया, तब ग्रेजुएशन 12 साल का होगा, बर्बाद हो जाएगा। क्षेत्र का तो अब ये मगध यूनिवर्सिटी से हो रहा है, ये जगह कौन हो गया, अफगानों का, मतलब बिहार और बंगाल में किसका दबदबा था, अफगानों का, यहाँ बहादुर, ये बहादुर सा बहुत खचरा था, यहाँ पर एक शासक मेवाड़ था यार। मुझे जरा मीनिंग बताना, खचरा खचरा क्या बोला उन्होंने, उसका मीनिंग क्या होता है? ये बहादुर सा बहुत खचरा था। हाँ, खचरा, खचरा का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पर एक शासक मेवाड़ था, यहाँ पे क्या था, मेवाड़, मेवाड़ की रानी जो था कर्णवाही, मेवाड़ की रानी कर्ण, मेवाड़ की रानी कर्णवाही जो थी वो हुमायूं को खत लिखी और कही कि बहादुर शाह जो गुजरात का शासक है ये बहुत ज्यादा अत्याचारी है, हमारी रक्षा किया जाए, और उपहार में उसने राखी भेजा था, किसने, कर्णवाही, तो कर्णवाही ने क्या भेजा था, राखी, क्या भेजा, राखी। अब हुमायूं आया,
वो हुमायूं बाहर से आया था, अगर मुझे भी नहीं किया, लोगों से पूछा ही पहुंची है, तब बताया था इराकी है, बहन अपनी रक्षा के लिए भेजती है आपको, और अगर आप इसकी रक्षा नहीं किए तो पूरा समाज आपको थूकेगा, कलंकित हो जाएंगे आप। खागी बात है, इमोशनल खेल गई तो अब तो युद्ध एकदम जायज हो गया। सेनापति आक्रमण किस पर? बहादुर आक्रमण करने गया ना बहादुर शाह। तो यहाँ पर जो एरिया है ये मालवा, ये कौन जगह है? मालवा। यहाँ का शासक प्रताप रुद्र, कौन रहा? प्रताप। ये हुमायूं की सेना से जुड़ा गया, कहा कि कहाँ जा रहा है तुम, हमारा मित्र है वो, इसे यहाँ ले लिया, घेर लिया। तो हुमायूं की सेना कहाँ उलझ गई? मालवा के शासक। इधर बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया मेवाड़, मेवाड़ का पूरा क्षेत्र, चित्तौड़ का जो था, चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी होती है चित्तौड़, अब हमेशा कंफ्यूज है मेवाड़ है कि चित्तौड़ है, मतलब मेवाड़ मेवाड़ मालवा चित्तौड़ मारवाड़, ये थोड़ा थोड़ा अलग है, अभी आगे सब समझा देंगे, ठीक है। अब यहाँ बहादुर शाह ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। ये हुमायूं इसको निपटा के अभी आगे बढ़ने ही वाला था कि कर्णवाही और अपनी रानियों के साथ एक कुंड बनाती थी जिसमें आग लगाया जाता था और उसमें कूद कर स्वयं को जिंदा जला लेती थी, जिसे जौहर कहा जाता था। पद्मावती मूवी में जौहर का सीन दिखाया गया, तो रानी रानी कर्णवाही क्या कर चुकी थी? जौहर। कर्णवाही क्या कर ली? जौहर कर ली। तो पानी हुमायूं ने 1531 में पहला अभियान कहां किया था? मालवा का। कहां पे? इस एरिया में किया था, यहाँ कालिंजर था, कौन जगह था? कालिंजर। कहां पे? कालिंजर, मध्य प्रदेश का ये जगह कालिंजर। तो जीवन का पहली लड़ाई पानीपत का, और राजा बनने के बाद पहली लड़ाई कालिंजर अभियान, और यहाँ गई तो कर्णवाही मर चुकी थी, जौहर कर चुकी। अब हुमायूं कहा कि बहादुर शाह तोरा छोड़ेंगे ना हम यहाँ पर। अब हुमायूं के लिए दिक्कत है, इतना दूर से बार बार आक्रमण करना, 6 साल तक आक्रमण किया, 6 साल तक मारा किसको? बहादुर शाह को, 6 साल लगा था, लेकिन तबाह कर दिया किसको? बहादुर शाह। कहा कि चट्टा कहीं का यहाँ पर देख रहे, हमारा कुछ पता होता था नहीं राखी वगैरह वाला मार, और तुम हमारा कलंकित कर दिया यहाँ पर। लेकिन खैर हुमायूं पहुंच जाता तो रानी कर्णवाही को जौहर करना नहीं पड़ता। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान को, बाहर वाले ज्यादा तकलीफ पहुंचा रहे हैं कि अंदर में, बताइए। उस जरा बाहर से आके बचाने चला है, यहाँ गुजरात का शासक बहादुर शाह ये आक्रमण किया, हरिबाला को प्रताप रुद्र को क्या जरूरत है? हुमायूं का रास्ता रोकना भी नहीं, यहाँ पे ये कटाए वो कटाए, लेकिन कम से कम कर्णवाही तो बच गई रहती, बाद में क्या होता किसी को नहीं पता रहता। लेकिन ये सुन रहा बीच में कूद रहे हैं, ज्यादातर लड़ाई तो बीच में कूदने की वजह से हुआ है, मेदिनी रह गए थे कोने चक्कर में, चैला के चक्कर में जा रहे हैं, देख रहे टांग बार बार में करंट लगा ले तो बुझाने जा रहे हैं यहाँ पर। आगे बढ़ जाए, ये जगह कौन हो गया? कालिंजर। कालिंजर के शासक प्रताप रुद्र, इनको भी निपटा दिया और इधर भी निपटा दिया, बहादुर शाह को भी क्या कर दिया? निपटा दिया। उसके बाद गया तो बिहार को भी लहरा दिया, क्या किया? बिहार को। तो बिहार में शेर शाह सूरी था, दोहरिया की लड़ाई में शेर शाह सूरी साइड हो गया, कहा कि बाप रे बाप हुमायूं को जाने दो जाने दो, अभी बिहार में बाढ़ नहीं आया है, अभी बाला को कुछ आता पता नहीं, अफगानिस्तान से आया है, खाली पहाड़ देख ले, पानी उनी तो देखे ना कि अभी दो जाएगा यहाँ पर। तो हरिया वो दोहरिया की लड़ाई जीत गया कौन? हुमायूं। कहा गया अफगानों में कोई दमन नहीं है, चलो चलो बिहार पार करो बंगाल, क्या माना छेन बंगाल में हमला, तो क्या हमला कर दिया? बंगाल। बंगाल में हमला किया ना, लौटते टाइम बरसात चालू हो गया, क्योंकि जाने में आपको 1 महीना लगेगा, युद्ध करेंगे लौटेंगे तब ना, और जब लौट के आ रहे थे ना तो चुनार में घेर लिया कौन? शेरशाह। चुनार में सेना को चारों ओर से घेर लिया, और जब सेना को चारों ओर से घेर लिया, अब बाढ़ आइए नहीं रहता, कभी कभी बाढ़ रुक जाता है, शेरशाह चौपट हो गया, बाढ़ आ जाना चाहिए अभी तक नहीं आया। तो मौसम विभाग के जानकार, अब देखिएगा ना बाबा दादा लोग बड़े मौसम वैज्ञानिक होता है, कहा कि भाई कैसे भी बाबर को 15 दिन रोक के रखो, 15 दिन रुक जाएगा ना बाढ़ का पानी घुस जाएगा, हुमायूं को बाबर तो जा चुके, हुमायूं को रोक के रखो। तो चुनार के चारों ओर से घेराव किसने कर दिया? शेरशाह। अब बाबा हुमायूं की सेना वहीं रह गई, अब तंबू उम्बू डाल के रहने लगते, बहुत अच्छा जगह है, उपजाऊ जमीन है, घोड़ा को चारा मिल रहा है, अरे बैल कहीं का निचला जमीन था, वहां बाढ़ का पानी सबसे पहले घुसेगा, तो जहां बाढ़ का पानी घुसता है जमीन इतनी ढाल होता है, ढाल वाला जमीन बड़ी उपजाऊ होता है, घास घूस होता है, तो एक लगा कि बहुत अच्छा घोड़ा का चारा मिल रहा है, ले रात में बाढ़ का पानी घुसा, हुमायूं को आवाज दिया गया, राजा साहब बाढ़ आ गया। कहा कि यहाँ तो हुमायूं है, बाढ़ कहाँ से आ गया? उसको लगा कि शेर शाह सूरी जैसे एक राजा वैसे बाढ़ भी एक राजा, समझ आ गया कि नहीं आ गया? अगल बगल के
एरिया के पास से इसकी घेराबंदी चल रही थी। हालांकि ये खुद फंस गया, कौन? हुमायूं। हुमायूं को लगा था कि वो शेर शाह सूरी को फंसा देगा। शेर शाह सूरी भाग नहीं रहा था, उसकी रणनीति का हिस्सा था कि तुमको फंसा के रखा जाए। चुनार के किला के आसपास इनको क्या किया गया था? फंसा के रखा गया। अब बाढ़ आ गया एकदम भयानक एरिया में, उस एरिया में। अब यहाँ हुमायूं क्या करे? हुमायूं देखा कि चारों ओर पानी लग गया। हुमायूं घोड़ा पे बैठ के भागा तो बैला ओकरा पता नहीं चला, नदी में कूद गया। तो आ गया हुमायूं, पूरा राजा में अफरा तफरी हो गया। हुमायूं पूरा क्या हो गया? दह गया। लेकिन राजा वजा को तैराकी सिखाया जाता था, बहुत जरूरी है स्विमिंग चीजें, तो तैरना सिखाया जाता था। तैर और के निकलने की कोशिश कर रहा था, तो एक मछली मार रहा था बढ़वा में जाके, सिहाबुद्दीन। मछली मारने के चक्कर में वो देखा कि तो सुचरा मछला है, तो पकड़ के निकाला, कहा कि नहीं सुचरा तुम्हें इतने तो बढ़िया घर का लग रहा है, इतना बढ़िया कपड़ा पहने, नदिया में कौन चीज कर रहा है? अरे कि राजा बोल रहे हो तो कैसे तो आ गया था रे हमें तुम यहाँ। तब बाद में सिहाबुद्दीन ने उसे बचाया और हुमायूं भागा यहां से बच के कहा? दिल्ली। कहा भागा? दिल्ली। तो उसको चटिया दिया कौन? शेर शाह सूरी। दौड़ा दिया कौन? जब तक भगाया नहीं तब तक छोड़ा नहीं। आगे क्या क्लास कल करेंगे। ओके, छोटा सा वीडियो था, मजेदार वीडियो सर। जो तरीका है वो कोई और कर ही नहीं सकता, जिस तरीके से खान सर करते हैं, बीच वाला किसको क्या जरूरत थी, ओ गॉड। और जो मैंने आप लोगों से पूछना, मैं वो वर्ड भूल गई, प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि क्या मतलब है उसका, ठीक है। एंड कैसे, मतलब पहले वाला जब मैं सोचती हूँ ना, जौहर का जब सबसे ज्यादा सोचती हूँ, उतना से रूसी काम चाहती है, ठीक है। मतलब अगर हम लोग को थोड़ा सा भी यहाँ पर चटका लगे, ठीक है, तो हम लोग इतना बवाल मचा देते हैं। एंड वहां पर क्या हिम्मत थी यार, सल्यूट है रानियों को, सीरियसली बहुत तकलीफ भी होती है। वो सारे युद्ध के बारे में सोचते हैं, लेकिन नॉलेज होना भी जरूरी है, ठीक है, ऐसे वाली चीज है। और खान सर के मुंह से सुनो तो वो जो जहां पर हम लोग का ऐसे, हम लोग वो जोन में जाने लगते हैं ना कि यार, जैसे मैंने अभी बताया कि रूह कांपने लगती, तो वो एकदम से जो है ट्रैक को चेंज करके जो है खान सर जो है एक थोड़ा सा फन लेकर आ जाते हैं, थोड़ा सा मस्ती कर देते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। और दिमाग में एकदम फिट होना ही होना है खान सर की क्लास देखकर, ठीक है। एंड आप लोग के थ्रू ना मुझे बहुत सारी चीजें पता चलती है, रियली थैंक यू सो मच गाइस। तो यस, वीडियो खत्म करती हूं। स्टार्टिंग में जो मैंने बोला है उसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें, थोड़ा सा समझें कि सच में प्रॉब्लम चल रही है, ओके। एंड यस गाइस, वीडियो खत्म करती हूँ। होपफुली आप लोगों को पसंद आया, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, खान सर के फैंस के साथ में भी। यहाँ तक देख लिया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, एंड मेरे सेकंड चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उसको भी जरा सा घूम फिर कर आ जाओ, वहां पर भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक खुद का ख्याल रखें, खुश रहें, एंड थैंक यू, टाटा, बाय बाय।